यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। नोएडा में सार्वजनिक परिवहन ढांचे को मजबूत बनाने की पहल करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा सेक्टर 62 तक करने को मंजूरी दी। नोएडा सिटी सेंटर से सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश तक मेट्रो स्टेशन को स्थापित किया जाएगा, मेट्रो लाइन को स्थापित किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर के द्वारा कॉरिडोर के अंतर्गत नोएडा सिटी सेंटर तक अभी मेट्रो है, इसको सेक्टर 62 नोएडा तक विस्तारित किया जाएगा। द टोटल किलोमीटर इज 6.675 किलोमीटर्स। इसकी दूरी है 6.675 किलोमीटर और इस पर पूरी राशि होगी 1967 करोड़। 1967 करोड़ शैल बी स्पेंट ऑन एक्सटेंडिंग द मेट्रो फ्रॉम द सिटी सेंटर नोएडा टू सेक्टर 62। ये 1967 करोड़ ये इसलिए किया गया है कि वो इलाका में काफी लोग रहते हैं, आजकल उस इलाके में कॉमर्स, एजुकेशन और एक प्रकार से एक्सपेंशन हो रहा है। अबाउट 6.5 लाख पीपल स्टे इन दोज एरियाज, उससे गाजियाबाद फरीदाबाद भी जुटा हुआ है। तो मेट्रो के इस विस्तार होने से इन सबों को सहयोग मिलेगा